पर लोग लापरवाही से भी देख रहे हैं, जैसे कि मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, अगर पहन रहे हैं तो आधा पहन रहे हैं, मुंह को कवर कर रहे हैं और नाक को छोड़ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है। तो जैसे अभी रिसेंटली जो गाइडलाइंस आई है 50% शॉप्स क्लोज करने की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। मेरे साथ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सतीश जी हैं और बाकी स्टेशन हाउस ऑफिसर भी हैं। लोगों से दो तीन मेन रिक्वेस्ट है कि जैसे रिपीटेडली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी, सरकार भी जो है बताती रही है लोगों को कि अभी दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सर्ज आ गया है दोबारा, अगर हम जो SOPs और गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम बता रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे और एक हम जीती हुई जंग जो है हार जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा काफ़ी फ़र्क पड़ गया था और हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी हम कंट्रोल पोजिशन में हैं, लेकिन यह है कि अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं संभाल करके नहीं रखेंगे, तो एक जीती हुई जंग हारेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाकी लोगों से दो तीन मेन रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो गाइडलाइंस, जो कोविड की गाइडलाइंस जो UT एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उनको रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि ये याद रखें लोग कि हमारे अपनी लाइफ के लिए, हमारी अपनी सेहत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए है।
उसको फॉलो करें। और नंबर दो, सबसे ज़्यादा ये दिखा जाता है कि लोग मार्केट में खुलम खुला घूमने आ रहे हैं, ये वक्त घूमने वाला नहीं है। ठीक है, इमरजेंसीज रहती हैं, ओनली मेडिकल जो इमरजेंसीज हैं, जो एक्सट्रीम नेचर की जो अवॉइडेबल नहीं है, या कोई और दूसरी इमरजेंसी है, अदरवाइज लोग जो हैं अपनी जो विजिट्स हैं, जैसे देखा जा रहा है मार्केट में रश है, भीड़ है, जैसे ठीक है नवरात्रा से लोग आए, लेकिन लोगों को जीरो आउट कर देनी चाहिए अनलेस उन्हीं मेडिकल इमरजेंसीज के लोग बाहर आएँ, इतने लोग फ्रीक्वेंटली नहीं आएँ। और तीसरा ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, जहाँ जिसको मर्जी आती है वहाँ खड़ा हो जाता है, हर आदमी अपने आप को इंश्योर करे कम से कम किसी से वो टच ना हो, कोई भी आदमी इफेक्टेड हो सकता है। और लोग तो जानकारी रखते हैं, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर बीच बीच में जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट से इनको कहा जा रहा है ये कर रहे हैं, लोगों ने कोऑपरेट किया है पिछले बार, और जैसे पिछले बार कोऑपरेट किया था वैसे ही करें, उनको थोड़ा सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। और शॉपकीपर्स का ये आरोप है कि अजीत साहब का ये कहना था कि जो बाजार एसोसिएशन प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई करके ही वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा, जो भी आदेश है, ज़्यादा जो भी आदेश है, जहाँ जो भी आदेश है उनका पालन होना चाहिए। सरकार कर रहे हैं आपसे, जो भी कर रहे हैं उनको रिड्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और यही रहेगा कि हम लास्ट में लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पालन करें, बाज़ार में फजूल में घूमने मत आएं, अपनी विजिट्स जो भी बाजार की हैं उनको रिड्यूस करें जीरो अनलेस एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गाड़ियों में दुकानों पर जहां भी हैं, जब बिजनेसमैन भी हैं उनका पालन करें। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जीती हुई जंग जो कोविड के खिलाफ हिंदुस्तान ने जीती है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो उसको जीतने के लिए कंटिन्यूसली लोगों के तावन की ज़रूरत है, यही हम कहेंगे, बाकी